रविवार को पूर्व महापौर अटल बहादुर सिंह की श्रद्धांजलि सभा में श्री सिंह के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने उन्हें नागपुर का गौरव बताया। गडकरी ने कहा कि अटल बहादुर सिंह का भव्य स्मारक तैयार किया जाए ताकि हर वर्ष उनका स्मरण करते हुए नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन साई सभागृह शंकर नगर में किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अटल बहादुर सिंह नागपुर के वैभव थे। उन्होंने वंदे मातरम गायन के अभियान को देश भर में चलाया। मेरे पिता से उनके अच्छे संबंध थे। 15-16 वर्ष की उम्र से मेरी उनसे पहचान है। मनपा सभागृह में मैं महापौर था, तब वे विपक्ष में थे। महापौर पद की गरिमा को सम्मान देने का उनका तरीका हर जनप्रतिनिधि के लिए प्रेरक है। समाज में वे शोषितों की आवाज थे। इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व महापौर कुंदा विजयकर, पीरीपा अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े, मोहम्मद सिंह तुली प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर पालिकेमध्ये निवडून आल्यानंतर महानगर पालिका गाजवणारे अटल भैया देखील पाहण्याची संधी आम्हाला मिळाली, ज्याचा उल्लेख आताच नितिन राऊत साहेबांनी केला। महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये अटल भैयांचं भाषण ऐकणं एक पर्वणी असायची। संपूर्ण सभागृह त्यांच्या कब्जात असायचं, पिन ड्रॉप सायलेन्स असायचा, आणि जे विचार ते मांडायचे, जे शब्द ते मांडायचे, ते इतके प्रभावी असायचे की त्याच्यानंतर फारसं कोणी आर्ग्युमेंट करायचं नाही। आणि हे सगळं करत असताना त्या त्या परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून कधी कधी अतिशय गंभीर अशा प्रकारचं त्यांचं भाषण असायचं। पण अशी परिस्थिती नसेल तर संपूर्ण सभागृहाला हसवत आणि हसत खेळत अटल भैया भाषण करायचे। आणि त्यांची खासियत अशी होती की हसवण्याकरता सर्वात जास्त विनोद ते स्वतःवर करायचे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज नागपुर।